बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ब्रेड सैंडविच, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। टेस्ट में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से क्रिस्पी ब्रेड सैंडविच को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 अदद आलू। आलूओं को आपने अच्छी तरह से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद छिलका रिमूव करने के बाद इस तरह से हम छोटे होल वाले कद्दूकशर की मदद से इन्हें कद्दूकश कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपके पास कद्दूकशर नहीं है तो आप मैचर की मदद से मैच भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरह से करना है। और ये हमने लिए हैं 2 अदद अंडे, और अंडों को हमने अच्छी तरह से कर लिया था बॉयल। छिलका रिमूव करने के बाद इस तरह से हम इन्हें भी कद्दूकशर की मदद से कद्दूकश कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अंडे और आलुओं को हमने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून हरा पुदीना। हमारे पास हरा धनिया नहीं है तो हम नहीं ऐड कर रहे, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिए। और इसके साथ ही ऐड करेंगे 2 अदद हरी मिर्च, जिन्हें हमने चॉप किया है। अगर आप बच्चों को ये सैंडविच बनाकर दे रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर दीजिए। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक या फिर हसबे जायका। और अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया था जिसे हमने चॉप कट किया है। 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, और अच्छी तरह से आप स्टफिंग को मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्ती आलू की स्टफिंग तैयार है, इसे साइड पर करेंगे। और इसके साथ ही हमने लिए हैं 4 पीसेस ब्रेड के। अब इन ब्रेड्स के हम कॉर्नर कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम दूसरे भी ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लेंगे। इस तरह से ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। अब इस तरह से हम 2 अदद ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम मेयोनीज इस तरह से। अच्छी तरह से आपने ब्रेड के ऊपर इसे स्प्रेड करना है। फिर माशाल्लाह ये ब्रेड सैंडविच बहुत ही ज़बरदस्त से और मज़ेदार से बनते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर आपको थोड़ी सी भूख लग रही हो और कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। तो ब्रेड पर हमने अच्छी तरह से मेयोनीज को कर लिया है स्प्रेड, देख सकते हैं आप। अब इसके ऊपर ऐड करनी है हमने स्टफिंग, और स्टफिंग जो है वो आपने अच्छी क्वांटिटी में ऐड करनी है इस तरह से। इसे भी हम पूरी ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपके पास चिकन हो तो तभी आप चिकन के ब्रेड सैंडविच बना सकें, लेकिन आप आलू के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार टेस्ट के साथ ब्रेड सैंडविच बना सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा, स्टफिंग में हमने कुछ ऐसा ऐड नहीं किया जो कि आपके घर में अवेलेबल ना हो, बल्कि आलू भी सभी के घर में अवेलेबल होते हैं, अंडे भी। बस आप बहुत ही आसानी से, और ब्रेड तो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है क्योंकि अक्सर लोग सुबह नाश्ता ब्रेड के साथ ही करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ये ब्रेड सैंडविच बना सकते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ब्रेड के ऊपर हमने आलू की स्टफिंग को बहुत ही अच्छी तरह से लगा लिया है। अब एक और ब्रेड पीस लेंगे और इसके ऊपर हम लगा लेंगे जी केचप। और ऑलरेडी अगर आपको केचप घर में बनाना है तो इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से आप केचप घर में बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के साथ। अब इस तरह से ब्रेड को हमने ऊपर रख देना है और हल्का सा प्रेस करना है। इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड पीस के ऊपर भी लगा लेंगे केचप, और इसे पूरी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और इसके साथ ही हमने लिया है जी एक पैन, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। पैन को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून घी हमने ऐड कर दिया है। हल्का सा घी को मेल्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। घी को पूरे पैन में अच्छी तरह से फैला लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड कर देंगे ब्रेड सैंडविच इस तरह से। इसे हम रोस्ट कर रहे हैं जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और एक क्रिस्पी क्रिस्पी सा लगेगा, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा इस तरह से। एक साइड से जब तक कि प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आएगा तब तक हम इन्हें एक साइड से हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद पलट लेंगे इस तरह से। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। और जैसा कि आपने देखा कि इस ब्रेड सैंडविच को बनाना कितना आसान है और बहुत ही कम सामान में ये बन जाता है, और वो भी घर की चीज़ों से। इस तरह से ये ब्रेड सैंडविच हल्का सा फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरे भी ब्रेड सैंडविच को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से हमारे ये ब्रेड सैंडविच बन चुके हैं। आप इन्हें केचप के साथ इंजॉय करें या चटनी के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी मेरी इजी ब्रेड सैंडविच की, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं कट करने में भी, और अंदर से स्टफिंग इनकी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, पता ही नहीं चल रहा कि आपने इन ब्रेड सैंडविच को
आलू के साथ बनाया है या फिर चिकन के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो आप भी जाइए और बहुत ही कम टाइम में इन ब्रेड सैंडविच को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइए। प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।